बलरामपुर जिले के तुलसीपुर में करीब 4 से 5 महीने पहले हुई पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष फिरोज पप्पू की हत्या के आरोप में जेल जाने के बाद से रिजवान जहीर की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही है। प्रदेश स्तरीय माफिया घोषित होने के बाद से रिजवान जहीर की संपत्ति को लगातार जब्त किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के तुलसीपुर पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष फिरोज पप्पू की हत्या के बाद हत्या के आरोप में रिजवान जहीर, उनकी बेटी और दामाद समेत 3 साथियों को पुलिस के द्वारा जेल भेज दिया गया था, जिसके बाद से रिजवान जहीर का मुश्किलें बढ़ना शुरू हो गया। बीते कुछ दिनों पहले रिजवान जहीर की तुलसीपुर में मौजूद संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त कर लिया गया था, जिसके बाद अब रिजवान जहीर की लखनऊ स्थित हवेली को भी जब्त कर लिया गया है। अब आपको बता दें कि रिजवान जहीर का आने वाला जो वक्त है वह साफ जाहिर कर रहा है कि रिजवान जहीर का नष्ट और नाबूद मिटाने के लिए जिला प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। जिला प्रशासन के द्वारा रिजवान जहीर को कहीं का न छोड़ने के लिए पूरी ताकत लगाया जा रहा है। रिजवान जहीर एक ऐसा नाम जिसके नाम से अधिकारी कभी कांपते थे, जिसके नाम को सुनकर लोगों में दहशत का माहौल फैल जाता था, जिसके नाम से ही लोग घबरा जाते थे, आज उस नाम का नष्ट और नाबूद मिटाया जा रहा है। लोग कहते थे कि रिजवान जहीर पूर्वांचल का शेर है। लोग कहते थे कि रिजवान जहीर का सिर्फ एक बार नाम लेने से काम अपने आप हो जाया करता था, लेकिन राजनीति का कितना उल्टा खेल होता है। राजनीति के मकर जाल में फंसने के बाद रिजवान जहीर का अस्तित्व लगभग खत्म होते जा रहा है। रिजवान जहीर के द्वारा खड़ा किया गया संपत्ति जिस पर अब जिला प्रशासन का कब्जा होते जा रहा है, जिला प्रशासन रिजवान जहीर के संपत्ति को धीरे धीरे जब्त करती जा रही है। रिजवान जहीर कंगाल होते जा रहे हैं। अगर कभी रिजवान जहीर जेल से रिहा भी होते हैं तो रिजवान जहीर के रहने का तब तक कोई ठिकाना नहीं बचेगा, क्योंकि रिजवान जहीर के संपत्ति को जिला प्रशासन पहले ही जब्त कर रही है। बलरामपुर जिले से न्यूज एडिट यूपी के लिए साबिर अली की रिपोर्ट।